नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू सावंत उत्तराखंड खटीमा से बिलोंग करती हूँ और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो हमारी कंपनी नेस्विच के हैं और इन प्रोडक्टों का मैं आज आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी। और इसके लिए मेरे साथ हैं कविता महर जी जो इन प्रोडक्टों को यूज कर रही हैं और इनका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है और मैं वेलकम करना चाहूंगी कविता जी का। वेलकम कविता जी। थैंक यू सो मच रेनू जी। और मेरा नाम कविता महर है, मैं उत्तराखंड खटीमा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ तो मैं आजकल नया बिजनेस कर रही हूँ नेस्विच का। तो मैं उन प्रोडक्ट के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि उन प्रोडक्टों से कितना अच्छा बेनिफिट हो रहा है, कितना ग्लो आ रहा है। तो आज हम इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो दिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आज हम लाइव डेमो शुरू करने वाले हैं, तो अभी हम लाइव डेमो शुरू करने वाले हैं। तो ये फेशियल किट वैदिक कॉस्मेटिकल्स हमारी नेस्विच कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं, आज हम आपको पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे, तो देखना कितना ग्लो आता है। और ये है सबसे पहले क्लीजिंग मिल्क पहला स्टेप, और इससे चेहरे की डस्ट साफ हो जाती है। 5 मिनट का क्लीजिंग मिल्क करते हैं। सो पहला स्टेप क्लीजिंग मिल्क सो कंप्लीट हो गया। तो अब सेकेंड स्टेप है बटर रिवाइव। बटर रिवाइव एक ऐसी क्रीम है जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। इसमें कोकोनट ऑयल है, सिया बटर है, ऑर्गन ऑयल मौजूद है और जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। रेनू मैम, आपको अच्छा लग रहा है फेशियल करते टाइम? यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा स्मूथ फील हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छे से आप करवा रहे हैं। तो हम अब स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पॉलिश। इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं और हमारी स्किन को स्मूथ करता है। इसमें छोटे छोटे स्क्रब होते हैं जिससे हमारे फेस की डस्ट बाहर आती है और स्किन अच्छी हो जाती है। इसके बाद स्किन फेशियल का मेन सबसे स्क्रब ही है और काफ़ी अच्छा होता है। इस स्क्रब से स्क्रब करने के बाद फेस में ज़्यादा ग्लो आने लगता है। स्टेप 3 कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि छोटे छोटे स्क्रब हैं वो सारे फिगर चुके हैं, अब स्क्रब पूरा हो चुका है। सो 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ये चौथा स्टेप है ग्रीन क्ले ब्लश। ग्रीन ये हमारे फेस को उनके ऑयल को बैलेंस करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है और आपके फेस को चमकदार बनाता है। सो अभी हम फेस में इसको अप्लाई करते हैं।
और उसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए और ये आखिरी और पांचवा स्टेप एलोवेरा जेल। और इस जेल से फेस में ठंडा महसूस होता है और स्किन स्मूथ हो जाती है। तो अभी हम लास्ट स्टेप करेंगे। थैंक यू सो मच कविता जी, आपने बहुत शानदार तरीके से मेरा फेशियल किया। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फेशियल से पहले वाला फेस आप देख सकते हैं और फेशियल के बाद मेरे फेस में कितना ग्लो आ गया है। ये इन प्रोडक्टों का जादू है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें कविता मैम के हाथ का भी जादू है, और मैं कविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इन प्रोडक्टों से हम अपनी सुंदरता को निखार सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है फ्रेंड्स, जिससे हम अपने और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, वो भी घर में। क्योंकि एक लेडी के लिए घर से ज़्यादा सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, आज हर कोई सुंदर और स्पेशल दिखना चाहता है, और उन लोगों के लिए ये स्पेशल किट है। और भी बहुत सारी किटें यहाँ अवेलेबल हैं। आप सभी ने मुझे सुना, और कविता मैम का अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ये पूरी वीडियो कविता मैम के उससे सक्सेसफुल हुई है। थैंक यू सो मच एवरीवन।